सर 3 दिन पहले से आप अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आज यहाँ पर बैठ गए, क्या जिला प्रशासन जिला प्रशासन से आपकी मांगे? देखिए, 3 तारीख से 3 तारीख से हमारे साथ व्यापारी, हम्माल तुलावटी किसान और मंडी के अधिकारी कर्मचारी सब संयुक्त रूप से हमने 3 तारीख से हड़ताल शुरू किया है और आज 5वें दिन भी लगातार जारी है। देखिए, मॉडल एक्ट लागू हुआ है, हमारी मंडियां करीबन 50% के आसपास हो गई है। इस हमारा केवल नियंत्रण हमको मंडी परिसर तक ही रखा, पहले हमारा राज्य बॉर्डर है या इंटरनल है, सभी चीज़ों में हमारा नियंत्रण था, जिससे किसानों को उचित दाम मिलता था, उनके भाव अच्छा मिलता था, उनके भुगतान की भी गारंटी मंडी की देखरेख में होती थी। तो कई चीज़ें हैं उससे, और बाहर का मंडी शुल्क भी इन्होंने बंद कर दिया है सरकार ने, तो उससे भी यहाँ के इनकम प्रभावित हो रही है, जिससे कर्मचारियों के वेतन भत्ते या उनके आने वाले समय में भुगतान से संबंधित भी परेशानी खड़ी हो सकती है। क्या रहेगा हड़ताल के बाद में, कि अगर ये हड़ताल के बाद भी प्रशासन नहीं सुनता है? देखिए, हमारा सरकार को अवगत कराने का है हड़ताल करके, और हम अवगत करा रहे हैं। हमारा संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश है, वो उस स्तर से बात कर रहे हैं वरिष्ठ अधिकारियों से और संबंधितों से, तो जो भी वो निर्णय करेंगे और उसके बाद हम हड़ताल समाप्त कर देंगे। अगर निर्णय नहीं होता है तो आगे हड़ताल को किस रूप में परिवर्तित करें? देखिए, बातचीत चल रही है अभी उनकी, और वहाँ से जैसा भी हमारे पास खबर आएगी, सूचना आएगी, तो हम आपको। आपका नाम? हिमेश मुनिया, मंडी सेक्रेटरी।